धार जिले के पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 थाना में आज थाना प्रांगण में चिट फंड निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पीड़ित और अभिकर्ता सम्मिलित हुए। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चराल ने अभी अभिकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि आपके द्वारा की गई शिकायतों को गोपनीय रखा जाएगा और तुरंत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी फ्रॉड कंपनियों के प्रलोभन में न आए और जनता को भी जागरूक करें। अभिकर्ताओं ने भी शिविर में खुलकर अपनी समस्या बताई। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। पुलिस विभाग द्वारा 20 से 22 तारीख तक ये चिटफंड से संबंधित शिकायतें हैं, उसके लिए एक शिविर आयोजित किया गया है और इसमें जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि जो भी ठगाए गए लोग हैं या चिटफंड कंपनियों में जिनका पैसा छल के द्वारा ले लिया गया है, उसकी शिकायत के लिए खुला शिविर लगा गया है जो प्रत्येक थानों में लगाया गया है। उसमें शिकायत करके तुरंत उस पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी। तो इसमें लोग इकट्ठे हुए थे और इन लोगों ने बताया कि पूर्व में इनके अपराध तो दर्ज हो चुके हैं जिनमें कोर्ट में केस चल रहा है और अभी लोग और जन जागरूकता फैलाएंगे। जिनको ये जानकारी नहीं है वो आके शिकायत करवा। पुलिस के द्वारा चिट फंड शिकायत निवारण शिविर लगाया गया था, क्या समझाइश दी गई और आपने क्या अपना सुझाव रखा? हमने सुझाव ये रखा है कि जो हमने लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाया तो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, तो ये मामला क्या संसद में उठा है, तो वहाँ से इनके ऊपर भी प्रेशर आया और हम भी परेशान थे। तो सर ने हमें सुबह फ़ोन किया, थाने से ही फ़ोन आया कि आप सब लोग यहाँ एकत्रित हो जाओ और अपने अपनी समस्याएं यहाँ पे बताओ। तो सर ने काफ़ी सुझाव दिया कि इस तरह की कोई भी समस्या हो, जैसे हमारे अभी तक 79 लोग सुसाइड कर चुके हैं, तो इस संदर्भ में सर ने बोला कि इस तरह से आपसी विवाद हो रहा है, लोग दुर्घटना हो रही है, मर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, तो आगे से ऐसा नहीं हो। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप पार्टी को लेके यहाँ आए और जो कोर्ट में मामला चल रहा है, FIR अगर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आगे से ऐसी कोई समस्या और इस तरह की कोई कंपनी आती है तो हमें सूचना दे, बाकी हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं। क्या अभी कोई कंपनी का आपने दिया इनको विवरण? हाँ, हमने GN डेरीज का दिया है, GLI बीटा डेवलपर का दिया है, सहारा का दिया है, पल्स का दिया है। गवर्नमेंट ने 235 कंपनियां सील करी है, 55 लाख अभिकर्ता हैं और 11 करोड़ इन्वेस्टर हैं। इतने लोगों का पैसा उलझा हुआ है, इतने लोग पीड़ित हैं, तो ये समस्या हमने सर यहाँ पे रखी है और सर ने बताया है कि हम बकायदा आपकी सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं और आपकी कोई समस्या अब आई तो आप यहाँ पे आके बताएं, हम उसका निराकरण करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बलराम वर्मा है, पटेल मोहल्ला पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।